ओके okay, नमस्कार स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूपी बाई अनडमी मोस्ट वेलकम है वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू शाम के बज चुके हैं डेली शाम को छह बजे मैं हाजिर होता हूं आप सभी छात्रों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेकर जो कि आपके आने वाला एग्जाम 26 और 27 जून को वीडियो एग्जाम है तो उसके लिए काफी उपयोगी क्लासेस हैं और मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जो अगली क्लास होगी इसमें हम वर्तनी अशुद्धि से प्रश्न लाएंगे और यहाँ से कम से कम एक से दो प्रश्न इस सेक्शन से पक्का बनता है चलिए स्वागत है प्रेम देवी लव कुमार राजेश भानु कमलेश रेहान प्रकाश चौधरी स्वागत है सभी का सविता जी स्वागत है आपका विनय कुमार सिंह मोस्ट वेलकम है वेरी गुड टू ऑल ऑफ़ यू और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज्वाइन करें जल्दी आ जाइए क्लास स्टार्ट होने वाली है तैयारी आपकी अच्छी चल रही होंगी आई होप तैयारी अच्छी चल रही होंगी पचास में से कम से कम आपका टारगेट चालीस का तो होना ही चाहिए भाई है ना जी के की प्रैक्टिस कब चलती हुई बताएँगे भाई यहाँ पर पहले आप थोड़ा हिंदी कवर कर लो उसके बाद जी के भी हम इसी समय आपको पढ़ाएंगे है ना करके चलिए स्वागत है मोस्ट वेलकम है तो सबसे पहले तो आप सभी छात्रों के लिए जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आने अकेडमी जहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से बहुत ही कम फीस पर यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है यूपी पी हो गया या आपका आर ओ आर ओ हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का हो गया यूपी पुलिस का हो गया ठीक है सारी तैयारी आप कर सकते हैं उसी फीस में और इसके लिए देखिए आप लोग कोई अनकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथ ही साथ यहाँ पर सभी एजुकेटर्स जो भी हैं उनकी फ्री क्लासेस भी चलती हैं है ना फ्री क्लासेस आप देख सकते हो उसके लिए कोई फीस पेड नहीं करना है बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके और हमारी प्रोफाइल उसको फॉलो कर लीजिए और इस कोड का प्रयोग जहाँ कहीं भी आपको मांगा जाता है सक्सेस मंत्रा का प्रयोग कर लीजिएगा आपको फ्री क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी साथ ही साथ अगर आप इच्छुक हैं हैंकेडमिक के प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी ठीक है और पिछले बार की जो टॉपर थे दिव्या जी वो अनकेडमी की ही स्टूडेंट थी और ये देखिए जीएस मेंस के बैचेस चलने वाले हैं स्टार्ट हो रहे हैं 25 मई से और ये 16 मई से ठीक है तो बहुत सारी क्लासेस हैं फ्री क्लासेस भी हैं आप पढ़ सकते हैं जिसके लिए आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और ये वेरियस जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रही हैं ये आप देख सकते हो चले भाई स्वागत है सभी छात्रों का मोस्ट वेलकम है चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है देखिए वर्तनीय शुद्धि से है और ऐसी वर्तनीय शुद्धियाँ जो कॉमन पूछी जाती हैं ठीक है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भागीरथी भागीरथी है ना जिसको कि गंगा के पर्याय के तौर पर हम देखते हैं भागीरथी इसका शुद्ध क्या लिखा जाता है देखिए चाहे आप वीडियो का एग्जाम दोगे दोस्त या आप आर ओ देंगे वहां पर दस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पहला क्वेश्चन आप सभी छात्रों के सामने है भागीरथी को आप शुद्ध कैसे लिखेंगे कमेंट करके बताएं ऑप्शन देखिए चलिए यहां पर आप लोग सही जवाब दे रहे हैं अचीव गोल्स विद प्रियस तनिष्ठ यादव ल कुमार ऑप्शन ए नहीं है रेखा ऑप्शन बी आपने सही जवाब दिया है विनय कुमार सिंह आपका भी बी सही है पहले का बी है कमलेश प्रजापति वेरी गुड देखिए हमेशा और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा जब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से करिए जब प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा भागीरथी है ना भागीरथी है ना क्या हो जाएगा भागीरथी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है भागीरथी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है ये वाला आपका भागी रथी नहीं यहाँ भागीरथी लिखा हुआ है आप देख रहे हो जो छात्र ए बता रहे हैं और यहाँ पर क्या डिफरेंस है आ की मात्रा के डिफरेंस है ना तो इसलिए ये आपके चारों ये तीनों जो ऑप्शन गलत हैं आपका ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट होगा भागीरथी को इस प्रकार से हम लिखते हैं ठीक है चलिए वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है देखिए बार बार ये कॉमन पूछे जाने वाले प्रश्न है अगर आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते हैं तो समझिए कि यहाँ से आपका बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना ठीक है अब देखिए विदुषी ये स्त्रीलिंग है किसका विद्वान का विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है तो विदुषी होगी, तो होगी क्या होगी महिला होगी तो विदुषी होगी अब यहां पर विदुषी आप कैसे लिखोगे तो विदुषी है ना यहां पर आप देखोगे तो ये वाला विदुषी विदुषी ठीक है विदुषी छोटी छोटा की मात्रा है और ये बड़ी है तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विदुषी ठीक है भाई देखिए काफी छात्रों के जवाब गलत आ रहे हैं ठीक है भाई रेहान ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है चलो ठीक है बिल्कुल ठीक है विदुषी विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिला विद, विद्वान का ही स्त्रीलिंग होता है विदुषी महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है कवि का कवित्री जिस प्रकार से आप देखते हो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न देखिए इसमें से हिरण कश्यप कैसे सही लिखा जाता है बार बार कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं प्रैक्टिस करिए रिवीजन क्लास है आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पढ़ा है तो वेरी गुड रिवीजन करिए नहीं पढ़ा है तो नए क्वेश्चन है हिरण कश्यप कैसे लिखा जाता है हिरण कश्यप लिखा जाता है कि हिरण कश्यप लिखा जाता है देखिए बहुत सा ये कॉमन सा क्वेश्चन है और अक्सर छात्र यहाँ पर गलत करते हैं हिरण कश्यप होगा कि हिरण कश्यप होगा अब इसमें से आपको बताना है तीसरा प्रश्न है कौन सा आंसर सही होगा चलिए कमेंट करिए मैं सबके आंसर देख रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए लव कुमार आप बी बता रहे हो नेहा ए बता रही हैं चले क्या होगा अनिश करेखा सी बता रही हैं गुलदीप ए बता रहे हैं देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा हिरण कश्यप होता है हिरण कश्यप होता है ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हिरण कश्यप ये नहीं होता ये भी गलत है और हिरण कश्यप ये भी गलत है ये आपका हिरण कश्यप आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है हिरण कश्यप कौन था आप सबको पता है है ना भाई चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए श्रृंगार को आप कैसे सही लिखेंगे चौथा प्रश्न है श्रृंगार हिंदी में एक रस है श्रृंगार रस है जिसको रसों का राजा कहा जाता है है ना चलिए बताइए तीस क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ का आंसर देखो भाई रिवीजन कर लोगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा है ना मैं डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बोलते तो सी वाला है देखो बोलने पे मत जाओ भाई तनिष्क आप जैसा कमेंट कर रहे हो बोलते तो सी है बोलते तो द्वारिका भी है हम बोलते तो द्वारिका भी है ठीक है हम बोलते तो बर्तन भी है हम बोलते तो नर्क भी है लेकिन ये तीनों गलत हैं हम बोलते तो अहिल्या भी हैं ठीक है थीके? अभी आएगा ठीक है तो हिंदी में ध्यान रखना वर्तनीय शुद्धि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा और श्रृंगार यहाँ पर आपका श्रृंगार ये आपका सही हो जाएगा हम अहिल्या भी बोलते हैं अहिल्या क्या ये चारों मेरे जो लिखा है सही है आप कहोगे हाँ सर सही है हमने पढ़ा है पेपर में पढ़ा है कई जगह हमने लिखा ऐसे पढ़ा हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से ये गलत है अहिल्या नहीं होता अहल्या होगा अभी आगे ये सब प्रश्न आएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर है 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 सारे प्रश्न प्रश्न के है, वर्तनी अशुद्ध देखो लंगड़ भुझड़ कोंकड़ भुखड़ बहुत अच्छा प्रश्न है बताओ बहुत अच्छा प्रश्न है सोच के बताइएगा इसका जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर ठीक है भाई साइंस की क्लास नहीं चली सुबह हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ठीक है चलिए आगे बताइए इसको देखिए देखो लंगड़ सही है कोंकण सही है भुझक्कड़ सही है भुखड़ नहीं होता भुक्कड़ होता है है ना आधा क और ख होता है ठीक है ये आपका नहीं होगा ऑप्शन बी इज इस... राइट right आंसर जो कि गलत जवाब है ठीक है ध्यान रखिएगा ये आपका डी वाला ठीक है भूखड़ लिखते हैं भूखड़ नहीं लिखते ऑप्शन डी सही है यानी कि ये ये अशुद्ध है ये है इसलिए इसका जो जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर समझ गए आप लोग चलिए जो भी छात्र भुजक्कड़ बता रहे हैं नहीं ध्यान रखिएगा मैंने इसलिए कहा ना कि ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है कालिदास कभी कभी कंफ्यूजन आता है कालिदास को कैसे सही लिखते हैं है ना Uh, कभी कभार ये भी होता है द्वारिका हो गया अहिल्या हो गया ये सब सारी चीज़ें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा प्रश्न देखिए छठा प्रश्न कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है अब आप देखो दोस्त इसमें से नरक कैसे सही लिखा जाएगा नरक का शुद्ध रूप क्या है लास्ट टाइम की ये रिवीजन क्लास है अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा ठीक है संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए लाइक शेयर करिए आपके दोस्तों मित्रों तक भी ये क्लास पहुंचे और डेली शाम को छः बजे हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर तो हम मिलते मिलते हैं देखो भाई वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है यहाँ पर ठीक है ये ध्यान रखिएगा नरक ये शुद्ध लिखा जाता है नरक इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है पूरा र होगा आधा रा नहीं होगा ठीक है नरक ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न कह रहा है सातवां प्रश्न है पूजनी को आप कैसे सही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन है पूजनी को आप कैसे सही लिखेंगे बहुत बार पूछा जाता है कॉमन क्वेश्चन है पूजनी फटाफट बताएंगे पूजनी को आप कैसे सही लिखेंगे पूजनी होता है कि पूजनी होता है यहां पर चलिए भाई नरक अरविंद से दो बिल्कुल तो आप सब जो पुराने स्टूडेंट है देखो पूजनी नहीं होता पूजनी जो पूजा के योग हो है ना पूजनी माता जी पूजनी पिताजी होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है भाई चले आगे चलिए वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है वेरी कॉमन क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आशीर्वाद लिखा हुआ है ठीक है चार प्रकार से आशीर्वाद लिखे गए हैं इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है और वह वर्तनी कौन सी है आपको बताना है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है चलिए कमेंट करके बताएंगे बहुत ही शानदार प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है अब इसमें देखते हैं कितने छात्र इसको सही बता पाते हैं ठीक है बिल्कुल जवाब आने शुरू हो गए हैं अब देखा जाए तो यहाँ पर सी सी बता रहे हैं सी है, ए बता रहे हैं रेखा देखिए देखिए दोस्त आशीर्वाद हमेशा ये ध्यान रखिएगा आशीर्वाद ये सही होता है जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो ऊपर वाला र होता है, है ना उसके बाद ही आएगा आसर ये इसका आरसी के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन फिर वाद तब ये आरसी है अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे ना हम लोग लिखते हैं अर्श अर्श लिखते हैं ना तो अर्श से इसका प्रोनाउंसिएशन आरसी हो जाएगा आरसी हो जाएगा आप ये करोगे ठीक है आशीर्वाद नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर आपका ये वाला जो आपका है ये वाला आपका सही है ऑप्शन नंबर सी ए इज द रॉन्ग आंसर ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे चलिए आगे देखिए नवा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिजीवसा यानी कि जीने की इच्छा जीने की चाह आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी हम आपको पढ़ाएंगे ये क्वेश्चन नंबर नाइन है जिजीवसा यानी कि जीने की इच्छा जिसे जीने की चाह होती है ठीक है कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा चलो भाई कमेंट करो जवाब देंगे देखिए जी, जी विशा, अगर आप पढ़ोगे जी जी विशा है ना अच्छा प्रश्न है जी जी विशा कमेंट करिए जी, जी विशा, तो पहला जो है जी, जी विशा, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है तो इसलिए आपका जी, जी विशा पहला जो जी होगा छोटी की मात्रा होगी और उसके बाद बड़ी बड़ी क्या वी में छोटी की मात्रा जी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन बनी हुई है इन्हीं सब कन्फ्यूजन को एग्जाम से पहले आपको दूर करना है ताकि आप एग्जाम में एक तो एग्जाम का भी प्रेशर होता है उसमे से समय कम होता है 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं दिमाग वैसे नहीं काम करेगा उलझा रहेगा कि अब यार ये जजीवसा होगा कि ये जजीवसा होगा अब आप फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बेहिचक लगा कर चले आओगे कि भाई यही जजीवसा हमने पढ़ा है डंके की चोट पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताएंगे कमेंट करिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस सेक्शन को अगर आपने नजरअंदाज नजर किया कम से कम चार नंबर से हाथ दो बैठेंगे मैं इतना जरूर कह रहा हूँ दो प्रश्न अगर आ गया और तो चार नंबर से हाथ दो बैठेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है जवाब देंगे दोस्त यहाँ पर देखिए यानी है यानी सूची शुष्क लिखा हुआ है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो यानी जो शब्द लिखा गया है यानी पूरा होता है यानी ये सही है इसको अगर आप गलत बता रहे हैं ये सही है ये गलत है वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पर क्या होगा ठीक है यानी 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 इस तरीके से नहीं होता है यानी में बड़ी ई की मात्रा होती है सूची सही लिखा गया है शुष्क सही लिखा गया है ये आपका गलत लिखा गया है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ठीक है, है? मैक्सिमम छात्रों ने सही जवाब दिया दो चार छात्र जो गलत दे रहे हैं ध्यान रखिएगा आगे से एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अब देखिए ग्यारहवा प्रश्न क्या कहता है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है अब दोस्त देखिए सन्यासी सन्यासी ध्यान रखिएगा सन्यासी अब सन्यासी आप कैसे लिखोगे सन्यासी 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 अब मान लो ये दोनों तो हटा ही दो अब आप एग्जाम में इन दोनों में कन्फ्यूज हो कौन तो सा सन्यासी सही है अक्सर गलती होती है एग्जाम में क्यों कि हम आप प्रैक्टिस कर, कर नहीं जाते ठीक है चले यहाँ पर बताएं क्या होगा सन्यासी कौन सा सही है भाई ऑप्शन नंबर ए चलिए वेरी गुड ये वाला सन्यासी ध्यान रखना ऊपर भी अनुस्वार और ये यहाँ पर आधा न ये दोनों रहेगा इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जो बच्चे आर ओ आर ओ की तैयारी कर रहे हैं ये ध्यान रखना दोस्त दस नंबर का ये सेक्शन आता है आर ओ आर ओ प्री क्वेश्चन प्री में देखोगे तो हिंदी का जो प्रश्न होता है पेपर होता है साठ क्वेश्चन होते हैं साठ नंबर के तो छः सेक्शन होते हैं उसमें से एक सेक्शन ये है दस क्वेश्चन का ठीक है चलिए आगे देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये यहाँ पर बारहवा प्रश्न देखिए मानवीकरण आप कैसे लिखोगे सही ठीक है मानवीकरण आप कैसे सही लिखेंगे बताइए मानवीकरण दोस्तों मानवीकरण है ना अब आप मानवीयकरण लिखेंगे या मानवीकरण चलिए सरल कर देते हैं इसको हटा देते हैं है ना इसको हटा देते हैं अब बी और ये सी का ऑप्शन मैं दे रहा हूं दो तो को मैंने हटा दिया फिफ्टी फिफ्टी दे दिया अब बताइए फिफ्टी फिफ्टी मैंने दे दिया फिफ्टी फिफ्टी में क्या होगा सी वाला करेक्ट है चलिए बिल्कुल करेक्ट है देखिए मानवीकरण होता है मानवीकरण नहीं होता ठीक है मानवीकरण इज द राइट right आंसर मानवीकरण लिखेंगे मानवीकरण भी आपका गलत है क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताएंगे क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए तेरहवा प्रश्न बताएंगे तेरहवा प्रश्न है एक मिनट रुको यार जस्ट मिनट हाँ चलिए बताइए तेरहवा प्रश्न देखिए ज्योत्सना है आप ज्योत्सना को कैसे सही लिखेंगे ज्योत्सना कमेंट करिए ज्योत्सना को कैसे आप सही लिखेंगे ज्योत्सना को आप कैसे सही लिखेंगे कमेंट करके बताएंगे ज्योत्सना को कैसे सही लिखेंगे ज्योत्सना ठीक है देखिए ये ये और ये ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है ज्योत्सना आप ऐसे लिखते हो ठीक है ज्योत्सना जिसमें कि आपका आधा जिया होगा यो होगा आधा त होगा आधा स होगा और न होगा ज्योत्सना आप इस तरीके से सही लिखेंगे ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन नंबर भी है। ठीक है चलिए फटाफट फड़ करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें से बताना है उपरयुक्त होगा कि उपरोक्त होगा कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है उपरोक्त उपरयुक्त कौन सा सही उपरयुक्त कमेंट करके बताएंगे कमेंट करिए यहां पर क्या सही जवाब होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है फोर्टीन का राइट right आंसर बताएंगे देखो भाई यहां पर उपरयुक्त है ये वाला सही होता है उपरयुक्त है ना उपरोक्त गलत कहते हैं कहते हैं उपरोक्त की व्याख्या करिए उपरोक्त गलत है उपरयुक्त इज द राइट आंसर ठीक है उपरयुक्त आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा वेरी गुड सब ने सही जवाब दिया है फटाफट देखिए पंद्रहवा प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न में जो भी छात्र क्वेश्चन सही कर लेगा मैं मानूंगा आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम आपके सर पर है एग्जाम में मुश्किल से एक महीना बचा हुआ है ठीक है आज हो गई है बाईस तारीख छब्बीस और सत्ताइस को पेपर है आपका ठीक है इसमें से अनुग्रहित होगा या अनुग्रहित होगा अनुग्रहित ठीक है अक्सर कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन आपके सामने मैं इसीलिए स्क्रीन से जा रहा हूँ क्वेश्चन पूरा दिखे आपको चलिए बताइए कमेंट करिए पंद्रहवा का सही जवाब कौन बता पाएगा पंद्रहवा का सही जवाब आने लगा है है ना हम्म hmm. फिफ्टीन ए बता रहे हैं विनय कुमार सिंह संदीप राय अनिल सिंह राजेश यादव आशीष कुमार सिंह नयन शुक्ला वेरी गुड कुमार सिंह बिल्कुल देखिए इंडिया हिंदी प्रदीप जो भी छात्र यहाँ पर ए बता रहे हैं वो गलत हैं अनुग्रहित होता है ठीक है अनुग्रहित ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही है अनुग्रहित होता है ठीक है क्या होता है सही जवाब अनुग्रहित होता है सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है चलिए फटाफट आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है वेरी कॉमन क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है इसके प्रश्न कहता है आपसे इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है कवित्री ठीक है मैं प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा हूँ कवित्री कवित्री यानी कि कवि है और कवित्री कहेंगे तो ये जो मात्रा होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी पर लगेगी और व पर मात्रा हट जाएगी अक्सर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कव अक्सर छात्र इसको सही लगा देते हैं सोचते हैं कवि है तो कवि इत्री हो जाएगा जो कि ये गलत है वह पर जो मात्रा है वह हट कर यह पर लग जाएगी छोटी की लग जाएगी ठीक है जी हाँ तो इत्री इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड आगे देखिए सत्रहवा प्रश्न देखिए अंताक्षरी कैसे आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है अंताक्षरी अंताक्षरी एक खेल होता है गाने का है ना आप सब ने खेला होगा आप सब जानते होंगे उसमें जो लास्ट अक्षर अच्छा आता है उससे अगली पार्टी को गाना गाना होता है और अंताक्षरी आप क्या करोगे अंत्याक्षरी है ना अंत्याक्षरी ये जो आप देख रहे हो दोस्त अंत्याक्षरी इज द राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है डी क्यों बता रहे हो भाई बी इज द राइट right आंसर ठीक है अंत्याक्षरी ठीक है बी वाला करेक्ट है अंताक्षरी नहीं होता ठीक है अंताक्षरी नहीं होता अंताक्षरी नहीं होता अंत्याक्षरी होता है क्या हो जाएगा अंत्याक्षरी जी हाँ बी इज द राइट आंसर ये करेक्ट है चलिए आगे देखते हैं अठारह प्रश्न देखो भाई वांगमय आप वांगमय को कैसे शुद्ध लिखेंगे वांगमय है ना अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है वांगमय की शुद्धि कैसे अभी तक देखो अट्ठारह प्रश्न मैंने कराया कितने छात्र हैं जो पंद्रह सही किया इन्होंने अगर आप पंद्रह प्रश्न सही कर लिया आप लोगों ने या अठारह में से अट्ठारह कर लिया है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी और ये सब कॉमन क्वेश्चन है अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ये सब चीजें तो आप पहले पढ़ लेंगे ठीक है वांगमय है ना क्या हो जाएगा वांगमय एक मिनट ये सी है ना वांगमय क्या हो जाएगा भाई सी इज द राइट आंसर ठीक है वांगमय वांग में का सही है वांग में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं उन्नीसवा प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है वंदना होता है या वंदना होता है कौन सा वंदना सही होगा ठीक है वंदना वंदना हम्म कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन नंबर उन्नीस है देखो क्वेश्चन नंबर उन्नीस पहली बात तो वंदना वंदना तो होता नहीं वंदना होता है और वंदना में आप देखेंगे तो वंदना कौन सा होगा ये वाला आप वंदना सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट होगा ठीक है डी इज द राइट आंसर ठीक है भाई मैंने कहा कि अक्सर हम लोग वंदना इस तरह लिखते हैं ना वंदन है ना वंदन वंदना ये लिखते हैं लेकिन ध्यान रखना वंदना ये आपका जो आधा न है ये पूर्ण रूप से लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड इंडिया हिंदी राज राजेश यादव नहीं रीना जयकर सही है आपका भी विनय कुमार सिंह सारिका विश्वकर्मा वंदना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बिल्कुल राजेश यादव ठीक है आपको लगेगा कि यार ये तो सही गलत लिखा है यही सही होगा लेकिन कन्फ्यूजन होगी आपको एग्जाम में ठीक है इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन नंबर बीस की ओर बढ़ते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न में देखिए मैं ऐसे प्रश्न आपको करा रहा हूँ जो वेरी कॉमन है बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं ठीक है अब देखिए अगर बी डी दोनों नहीं ने, डी नियरेस्ट आपका सही है अब इसमें देखिए कौन सी वर्तनी शुद्ध है किसकी वर्तनी शुद्ध दिख रही है द्वारका पूजनिया अहिल्या अंतर ध्यान है ना किसकी वर्तनी शुद्ध है फटाफट बताएंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें 44 स्टूडेंट लाइव हैं लेकिन लाइक की संख्या आधी भी नहीं है है ना लाइक like की संख्या आधी भी नहीं है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें देखिए किसकी वर्तनी शुद्ध है बिल्कुल द्वारका इज द राइट आंसर अंतर ध्यान नहीं होता यह होता है अंतरधान होता है ठीक है ध्यान नहीं होता अंतर्धान होता है पूजनीया नहीं होता पूजनीया होता है अहिल्या नहीं होता है अहल्या होता है क्या होता है अहल्या होता है ठीक है ये होता है तो इसलिए ये द्वारका सही लिखा गया है अक्सर हम लोग द्वारिका लिख देते हैं द्वारिका है ना द्वारिकाधीश द्वारिका तो ये द्वारिका गलत लिखते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है इक्कीसवा प्रश्न है इक्कीसवें प्रश्न को देखिए क्या कहता है इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है उच्छृंखल है ना आप कैसे लिखोगे उच्च होगा डबल च होगा या कैसे होगा ठीक है कमेंट करिए तो देखिए उच्च श्रंखल ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ये नहीं होगा ये नहीं होगा ना बी होगा डी इज द राइट आंसर सारे प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं रिवीजन क्लास से बहुत अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है देखिए द्वंद है ना हम लोग क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं द्वंद समास होता जिसमें है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं ना समास होगा दोनों पद प्रधान ठीक दोनों पद प्रधान होते हैं अब द्वंद्व को कैसे हम शुद्ध लिखते हैं क्या ये द्वंद्व सही लिखा गया है या ये है या ये है ये तो होगा इन्हें तीनों में ऑप्शन बताएंगे ठीक है कमेंट करिए द्वंद्व द्वंद बिल्कुल देखिए द्वंद होता है जब आप प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा द्वंद होता है क्या होता है द्वंद होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर वेरी गुड चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है अगला तेईस देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है अक्सर हम लोग यूज करते हैं इसको बर्तन सबके घरों में होगा हम लोग बर्तन में ही खाना खाते हैं है ना भाई बर्तन में ही खाना खाया जाता है बर्तन में ही बनाया जाता है अब बर्तन को आप कैसे सही लिखेंगे शुद्ध रूप से हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में बर्तन कैसे शुद्ध लिखा जाता है कमेंट करके बताएंगे वेरी गुड बताओ भाई लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करिए लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइए और अपना ज्ञान भी बढ़ाइए डेली प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ पर आकर ठीक है बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो भी छात्र सही जवाब दे रहे हैं है ना बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करिए चले जिन छात्रों ने यहाँ पर बोला है सी बोला है एब्सोल्युटली रॉन्ग है बर्तन ये सही लिखा जाता है ठीक है इस बात को ध्यान रखिएगा जिस प्रकार से आप नरक नरक पूरा होता है र पूरा होता है र में आप ऐसे नहीं लिख दोगे नरक लिख दोगे बर्तन ये गलत लिखा है लेकिन अक्सर आप बर्तन की दुकान पर जाएंगे तो वह यही लिखा मिलेगा बर्तन की एक दुकान है ना ये है लेकिन ये बर्तन शुद्ध लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कुमुदनी है ना चौबीसवा प्रश्न है कुमुदनी है अब को कुमुधनी, कुमुधनी, कुमुदनी को हम कैसे सही लिखेंगे ठीक है कुमुदनी 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 ठीक है चले कमेंट करेंगे कुमुदनी कुमुदनी चलो ये तो सेम लिखा है कुमुदनी कुमुदनी ये हटा दीजिए ठीक है कुमुदनी कुमुदनी को आप कैसे सही लिखेंगे कमेंट करके बताएंगे ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट होगा कुमुदनी होता है ठीक है ये आपका दोनों में छोटा की मात्रा होगी और यहाँ पर आपका ठीक है आप यहाँ पर देख रहे हो बड़ा ऊ की मात्रा लिखा है कु नहीं होगा कुमुदनी नहीं होगा कुमुदनी होगा ये वाला आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आप लोग के लिए आर ओ आर ओ के भी क्लासेस चलेंगी इसके बाद आर ओ आर ओ पढ़ाया जाएगा और साठ प्रश्न आएंगे और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ पचपन प्लस करके आएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखिए पच्चीसवा प्रश्न कहता है इसमें से शुद्ध आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आर्टिकल सेवनटीन कहता है छुआछूत का अंत कहता, कहता है ना विधिक समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता को आप कैसे लिखते हैं है ना अस्पृश्यता को आप कैसे लिखेंगे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फटाफट देखते हैं और क्वेश्चन है अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है देखिए दंपति बिल्कुल पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसको दंपति कहते हैं अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या होता है ठीक है कन्फ्यूजन होता है दंपति होता है दंपति होता है ठीक है कन्फ्यूजन मिलेगा लेकिन ध्यान रखिएगा दंपति ये ये वाला ऑप्शन बी का सही माना गया है आयोग ने भी इसको सही माना है दंपति होता है क्या होता है दंपत्ति ये नहीं ये सही माना गया है ठीक है दंपति दंपति है ना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है दंपति ठीक है ये छोटी वाली मात्रा तो नहीं होगी भाई ठीक है ये ध्यान रखिएगा आप लोग जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ठीक है दंपति चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कंफ्यूजन होता है मैंने बताया कि इसमें अलग अलग आपकी किताबों में थोड़ा मिल जाएगा बहुत अच्छा प्रश्न है ये सत्ताइसवा प्रश्न है सत्ताईसवा प्रश्न देखिए क्या कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है निदर्शन होता है कि निर्दर्शन होता है क्या होता है कमेंट करेंगे दंपति है ना बिल्कुल कमेंट करिए देखिए निर्दर्शन या निदर्शन अब आप देखोगे निदर्शन 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 तो कौन सा यहाँ पर सही है ये वाला आपका सही है निदर्शन ठीक है ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर वेरी गुड चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर बहुत अच्छे प्रश्न है पचास क्वेश्चन करा रहा हूँ आज क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस देखिए शताब्दी को आप कैसे सही लिखेंगे है ना कल भी इसका एक सेक्शन लाऊंगा कम से कम हर सेक्शन से आपको सौ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ कल भी पचास प्रश्न लेकर आऊंगा इसी सेक्शन का ठीक है इसी सेक्शन का इसके बाद फिर मैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर आऊंगा शताब्दी को आप कैसे सही लिखेंगे शताब्दी यानी कि सौ वर्षों की शताब्दी होती, होती है एक ट्रेन भी चलती है शताब्दी एक्सप्रेस है ना शताब्दी को आप कैसे सही लिखेंगे बताएंगे कमेंट करिए वेरी गुड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है शताब्दी शताब्दी ये पूरा लिखा जाता है क्या होगा शताब्दी इज द राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखिए इसमें से बताइए औद्योगिक को आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर उन्तीस है ट्वेंटी नाइन में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ नंबर लिख दे रहा हूँ ट्वेंटी 29, 29 है औद्योगिक है ना आप औद्योगिक लिखोगे औद्योगिक होता है कि औद्योगिक होता है कौन सा यहाँ पर सही होगा देखिए ये तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा अब तीन आपका बच रहा है औद्योगिक है ना उद्योग से संबंधित औद्योगिक होता है बताइए औद्योगिक यहाँ पर औद्योगिक ये वाला आपका सही होगा ओ नहीं होगा औद्योगिक नहीं होता औ होता है औ की मात्रा लगती है औद्योगिक होता है ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें अंतर क्या है इसमें बड़ी की मात्रा लगी है और यहाँ पर डबल है ना इसलिए ये भी गलत है जो छात्र डी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है तीसरा प्रश्न देखिए इसमें से बताइए उन्नयन उन्नयन आपको दिख रहा होगा उन्नयन की वर्तनी कौन सी शुद्ध है उन्नयन उन्नयन है ना एक उन्नयन कोण होता है ना आप मैथ में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में ठीक है बिल्कुल उन्नयन जब आप कहोगे उन्नति उन्नयन तो ये वाला आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट एक तीसरा प्रश्न देखिए क्लेश क्लेश को आप शुद्ध कैसे लिखें क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है क्या ये क्लेश सही है या क्लेश क्लेश क्लेश, क्लेश? कौन सा है ठीक है बताएंगे स में यहाँ पर कंफ्यूजन है क्लेश को आप कैसे सही लिखोगे ठीक है तो क्लेश में आप कहते ना कलह क्लेश क्लेश मत फैलाओ कलह कलह फैलाना या क्लेश आप जब कहते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई क्लेश होता ये नहीं होता क्लेश ऑप्शन सी करेक्ट होगा ठीक है बी नहीं होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सेक्शन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा अक्सर यहां से गड़बड़ी हो जाती है सेक्शन में क्वेश्चन नंबर थर्टी टू परीक्षा आप परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षा का प्रवेश पत्र आपका आएगा अब आप परीक्षा कैसे सही लिखोगे है ना देखो आपकी ये टेस्टिंग है आपकी परीक्षा है है ना बताइए परीक्षा तो भाई देखो परीक्षा 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 है ये आपका यही तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी परीक्षा है ना सही चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखते हैं टिप्पणी को आप कैसे सही लिखेंगे टिप्पणी है ना कमेंट करना आप लोगों को कहा जाता है इंग्लिश में कमेंट करिए यानी कि इस पर कुछ टिप्पणी दीजिए कमेंट करिए है ना टिप्पणी 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 बड़ी दुविधा है और ऐसे ये चारों प्रश्न एग्जाम में सर चकरा देते हैं कौन तो सी टिप्पणी सही होगी है ना तो देखो भाई टिप्पणी टिप्पणी कमेंट करिए डी है क्या, क्या होगा जी हाँ डी वाले सही हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है डी इज द राइट आंसर बिल्कुल थर्टी थ्री का राइट आंसर टिप्पणी जिसको कि इंग्लिश में कमेंट कहते हैं ना क्वेश्चन नंबर अगला देखिए थर्टी फोर है विरहणी बहुत अच्छा प्रश्न है चौतीसवा प्रश्न है विरह वेदना में जो स्त्री होती है विरहणी होती है और विरहणी को आप कैसे सही लिखोगे विरहणी वेरी गुड बहुत अच्छा प्रश्न है विरहणी विरहणी कमेंट करिए कन्फ्यूजन करेगा ऐसे प्रश्न विरहणी शुद्ध वर्तनी है थर्टी फोर देखिए है ना कौन सा होगा भाई सी होगा या डी होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा हाँ विरहड़ी है ना ये वाला आपका ऑप्शन सी होगा विरहणी विरहड़ी नहीं होगा है ना विरहड़ी ऑप्शन सी करेक्ट होगा मात्रा ह पर होगी और मात्रा नहीं होगी ठीक है चलिए वेरी गुड थर्टी फाइव देखिए पैंतीस प्रश्न क्या कहता है इनमें से किस नाम की वर्तनी अशुद्ध है देखिए कौशल्या है ना मेघनाथ हम लोग अक्सर क्या कहते हैं मेघनाथ बोलते हैं ना मेघनाथ ठीक है मैथिली शरण गुप्त सही है राहुल सांकृत्यायन है संस्कृत्यायन नहीं है राहुल सांकृत्यायन ठीक है ये अक्सर कॉमन सा क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आनुसंगिक कैसे लिखोगे आप आनुसंगिक देखो हिंदी शुद्ध लिखना भी अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट आनुसंगिक आनुसंगिक छत्तीसवा प्रश्न देखिए ठीक है आनुसंगीक, आनुसंगीक, और आनुसंगिक जब आप लिखेंगे तो आनुसंगिक का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा चलिए वेरी गुड फटाफट करते हैं थर्टी सेवन देखते हैं इसमें से बताओ ईर्ष्या कैसे आप सही लिखोगे ये आप सब लोग बता सकते हो कि ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है बिल्कुल ईर्ष्या ये आपका ईर्ष्या ज्वेलिसी है ना जिसको इंग्लिश में कहते हैं ये आप सही लगा देंगे आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला क्वेश्चन देखिए थर्टी एट उज्जवल उज्ज्वल बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है उज्ज्वल उज्ज्वल है ना आपका भविष्य उज्ज्वल हो हम ऐसी कामना करते हैं तो उज्जवल को सही कैसे लिखोगे उज्जवल में आप कैसे लिखोगे सही ठीक है क्या ये सही होगा क्या ये सही होगा दो ऑप्शन है ए और बी में क्या सही होगा सी डी तो हटा दो ठीक है ए और बी में बताइए ए और बी में कितने छात्र हैं थर्टी एट का बताओ भाई ठीक है देखिए बी की मेजोरिटी ज्यादा है उज्जवल ये सही होगा बिल्कुल उज्जवल में ध्यान रखना दोस्त दो जो जाए आधा आधा दोनों बार होगा ठीक है ये आधा आधा होगा इस तरीके से आप उज्जवल जब लिखते हैं तो ये गलत है ये सही सेंटेंस है ठीक है ये सही शब्द है ठीक है वर्ड है थर्टी नाइन देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है अक्सर इस प्रश्न में हम लोग गलती करते हैं है ना क्यों करते हैं प्रैक्टिस के अभाव में हमने पढ़ा है केवल एक नजर पढ़ा है जब एक नजर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में हमें ले डूबेगा है ना अब सदृश्य बताओ भाई सदृश्य कैसे सही लिखेंगे ये आपकी टेस्टिंग है सही तो आ है लेकिन आयोग भी कराया है देखिए चलिए आप देखिए यहाँ पर सदृश्य हम पढ़ते क्या है प्रोनाउंसिएशन क्या कहते हैं सदृश्य कहते हैं लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है क्या होगा ए है या बी है दो ऑप्शन है ठीक है ये दो ऑप्शन में क्या होगा बताइए बी होगा मैक्सिमम छात्र कह रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता एक बार आप अनकेडमी यूपी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन का आपने जो है साइन है उसको ऑन किया है कि नहीं किया है ठीक है एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल करिए और सदृश right ये हम लिख तो देते हैं गलती से उसके जैसा, स, उसके जैसा लेकिन ये आपका वर्तनी शुद्ध है सदृश सदृश ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखिए अधिशासी अधिशासी अधिकारी है ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक पद होता है अधिशासी अधिकारी है? पंचायत में होता जिसको है जिसको ईओ साहब कहते हैं नगर पालिका आप देखते हो है ना अब देखिए अधिशासी एग्जीक्यूटिव जिसको कहा जाता है अधिशासी आप कैसे सही लिखोगे अधिशासी अभियंता भी होता है है ना नंबर देखिए बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला आपको यहीं पर मिलने वाली है कमेंट करिए फोर्टी है अधिशासी 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 ठीक है बार बार मैं बोल रहा हूँ अधिशासी अधिशासी तो आपका अधिशासी इज द राइट आंसर हाँ बिल्कुल अधिशासी ये वाला होगा भाई ये ध्यान रखना ये गलत है अधिशासी ठीक है ए इज द राइट आंसर कहा ना मैंने कि ये इन प्रश्नों में अक्सर गलती होती है क्यों होती है केवल और केवल प्रैक्टिस के अभाव में ठीक पढ़े तो रहते हैं हम लोग लेकिन एग्जाम में फिर ये हमें अधिसासी ए और बी में चकरा देगा देखिए व्यवहारिक ज्ञान नहीं है अब व्यवहारिक है या व्यवहारिक कौन सा व्यवहारिक है कमेंट करके बताएंगे ठीक है अधिशासी बी होगा दीपक तिवारी चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा मैंने कहा ना कि कंफ्यूजन बनी रहेगी आप लोगों को ठीक है व्यावहारिक होता है व्यावहारिक व्यावहारिक ये आप जाओगे यहाँ पर व्यवहार है है ना व्यवहार से व्यवहारिक बना है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है बहुत ही व्यवहारिक आदमी है ऐसा बोला जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बी इज द राइट right आंसर फोर्टी टू देखिए बयालीसा प्रश्न देखिए इनमें से शुद्ध बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है एक वर्तनी अशुद्ध है देखो भैया अधीन लिखा है जागृत लिखा है अनुग्रहित लिखा है भागीरथी लिखा है एक रॉन्ग है क्या है एक रॉन्ग है अब कौन सी गलती है यहाँ पर यह कमेंट करके बताएंगे ठीक है एक गलत है अधीन गलत है या ये गलत है या ये गलत है या जागृत गलत है कमेंट करके बताइए फोर्टी ये जो क्वेश्चन होगा फोर्टी टू होगा बिल्कुल नंबर में डाल दे रहा हूँ फोर्टी टू का राइट आंसर बताएंगे ठीक है फोर्टी टू का राइट आंसर आना शुरू हो गया है डी गलत है अनुग्रहित वेरी गुड चलिए बिल्कुल अरविंद सिद्धू पुराने छात्र हैं जागृत बिल्कुल देखो जागृत होता है इस बात को ध्यान रखिएगा जागृत होता है जागृत नहीं होता जो ये जागृत लिखा है ये गलत है जागृत ये ऐसे होना चाहिए अनुग्रहित सही है अनुग्रह अनुग्रहित ये गलत लिखा गया है ये सही है ये सही है ये सही है यही गलत है इसका सही प्रोनाउंसिएशन जागृत होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फोर्टी थ्री देखिए मृत्युंजय बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अक्सर गलती होती है तिरालीसवा प्रश्न देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है मृत्युंजय मृत्युंजय अब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप मृत्युंजय ठीक है सिंपल सा प्रश्न है बताइए सी करेक्ट है मृत्युंजय है ना मृत्युंजय जिसको मृत्युंजय ठीक है किस प्रश्न का है भाई देखते किसका बता रहे हो क्या नाम है यार संजय सिंघानिया देखो कैसे ये गलत है अभी देखो ये ध्यान रखना अनुग्रहित सही है जैसे कि आप सोच रहे हो संजय और जितने भी छात्र हैं सोच रहे हो कि सर अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है ये सही है ग्रह वाला ये बिल्कुल गलत है अनुग्रहित बिल्कुल सही है जागृत इसमें गलत है ठीक है संजय जी और जितने भी छात्र हैं ध्यान रखेंगे मैंने कहा ना कि ये सेक्शन बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नैया फंस जाएगी अब बताओ भाई नक्षत्र ग्रह नक्षत्र होता है तो वाली साहब प्रश्न बताओ नक्षत्र कैसे सही लिखा जाएगा अब आप सभी जानते हो नक्षत्र होता है नक्षत्र नहीं होता है नक्षत्र ये हो जाएगा इसमें कुछ नहीं था फोर्टी फाइव देखते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें से शुद्ध बताइए स्थाई कैसे आप सही लिखोगे है ना पैंतालीसवा प्रश्न है पांच प्रश्न और कराऊंगा कल फिर पचास प्रश्न कराऊंगा कल फिर पचास प्रश्न कराऊंगा स्थाई नियुक्ति कहते हैं ना कि इसको स्थाई इस नियुक्ति मिल गई स्थाई रूप से तो स्थाई का कौन सा यहां पर सही होगा कमेंट करिए ऑप्शन क्या होगा स्थाई बी करेक्ट होगा चलो बिल्कुल स्थाई स्थाई रूप से है ना फोर्टी सिक्स देखिए जल्दी अगर मैं कहूँ जल्दी जल्दी करिए फोर्टी सिक्स है ना सा प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी का काम शैतान का काम परीक्षा में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे ये ध्यान रखेंगे प्रॉपर प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही प्रश्नों का सोल्यूशन देंगे और जल्दी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखते हैं दोस्त फोर्टी सेवन क्या कहता है बहुत अच्छा प्रश्न है बार बार पूछा जाता है अक्सर इसमें भी कंफ्यूजन होता है रासायनिक होता है या रासायनिक होता है रासायनिक या रासायनिक है ना कमेंट करके बताएंगे रासायनिक या रासायनिक ठीक है तो दोस्तों यहां पर रासायनिक होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं 48 हो गया अनु इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी ठीक है 48 बिल्कुल रासायनिक होता है ये ध्यान रखना इसमें से अनुक्रम कैसे सही लिखेंगे चलो भाई करीब साठ प्लस स्टूडेंट देख रहे हैं और लाइक थोड़ा संख्या बढ़ा दो यार पचास प्लस तो करी दो है ना ये देखो क्लासेज आप ही लोग के लिए हैं बेनिफिट बहुत ही क्लास का बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में अगर आप पढ़ेंगे आएंगे अच्छे तरीके से क्लास यहाँ पर आपको दी जा रही है हम आपसे डेली शाम को छः बजे यहाँ पर मुलाकात करेंगे देखो अनुक्रम होगा अनुक्रम होगा ये अक्षर गलत होता है ना अनुक्रम में अनुक्रमाणिका आप देखते हो जब कोई कॉपी किताब होती है तो उसकी लिखी होती है ठीक है तो यहाँ पर अनुक्रम होगा इसके अनुक्रम में नहीं होता भाई ये कोई नहीं सकता है अनु ठीक है अनुक्रम आप जब किताब कोई लेकर आते हो तो लिखा होता अनुक्रमाणिका लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है ना जो इंडेक्स होता है तो इसलिए ये ध्यान रखना अनुक्रम इज द राइट आंसर काफी छात्र अनुक्रम पर चले गए हैं ये गलत है ठीक है चले ऑप्शन नंबर बी एग्जाम एग्जाम में में मत करके सभी का बी भी लगा के देखो में तुक्का बहुत लोग लगाएंगे है ना कुछ लोग तुक्का पर ज्ञान देते हैं तुक्का कैसे लगाए एग्जाम में आप कहेंगे कि हर सेक्शन में पांच प्रश्न ए ए लगा के चले आना फिर पांच से दस प्रश्न बी बी लगा के चले आना तो कभी कल्याण नहीं हो जाएगा तुक्का वाले जो बताते हैं गुरुजी, अब क्या कहानी बताते हैं भाई बच्चों को ज्ञान से परे तुक्का लगाना बताते हैं है ना ये ध्यान रखिएगा तुक्का कभी काम जल्दी नहीं आता हाँ चांस लिया जाता है जब आप थोड़ा सा श्योर नहीं है फिफ्टी फिफ्टी है आयुर्वेदिक आप कैसे लिखोगे सही आयुर्वेदिक है ना हाँ आयुर्वेदिक बताइए आयुर्वेदिक आप कैसे लिखेंगे शुद्ध है ना आयुर्वेदिक बताओ भाई आयुर्वेदिक आयुर्व वैदिक होता वैदिक नहीं होता आयुर्वेदिक बी इज द राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या लिखोगे आयुर्वेदिक बी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है टॉप में अगर आप फोर्टी प्लस हैं इस प्रकार के प्रश्नों में तो तैयारी अच्छी मानूंगा ठीक है फोर्टी प्लस आपको होना भी है पचासवा क्वेश्चन है आपका टॉप फिफ्टी मैंने आपका कराया है शुद्ध शब्द बताना है रामायण होता है या रामायण होता है ये वाला शब्द तो सभी लोग सही बता लेंगे कि सर रामायण होता है रामायण नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसका भी बी है बिल्कुल पर्चा आउट बी 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 है ना लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसका शुद्ध क्या है आंसर तो हमने सबका बी लगा दिया ठीक है आयोग चाहे तो सबका ए लगा दे सबका आंसर ए दे दे लेकिन आप जब पढ़े रहोगे तभी तो लगा पाओगे है ना अब जब कुंजी आ गई है कुंजी आ गई तब आप बता रहे हो सर सबका बी भी, भी आंसर ऐसा नहीं है सबका बी आंसर है ए भी आंसर था सी भी आंसर था डी भी आंसर था है कि नहीं ठीक है तो जब आप पढ़े रहोगे तबाई आपको सही लगेगा कि हाँ यार सबका तो बी आ रहा है ठीक है एक चलो वेरी गुड तो बिल्कुल अगली क्लास कल होगी शाम को छः बजे और आप सभी छात्रों के अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस हैं मेरी फ्री क्लासेस अगर आप हर टॉपिक की देखना चाहते हैं जीके के जी या सिंधी हो गया रीजनिंग भी मैंने पढ़ाया है अन पे फ्री क्लासेस में आप हमारी प्रोफाइल को फॉलो करिए जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अनअकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए रेफरल कोड हमारा सक्सेस मंत्रा है और साथ साथ यूपी पी सी की कंप्लीट तैयारी अगर आप चाहते हैं कम फीस में क्वालिटी कंटेंट और इसका एग्जांपल आपने देखा कि जो पिछले टॉपर हैं दिव्या जी हैं जो 2022 के टॉपर हैं अन अकेडमी की ही स्टूडेंट रही हैं उन्होंने गाइडेंस लिया है आप पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है चलिए कोई क्वेश्चन हो तो बताइए अभी आप लोगों का ए भी देगा तब से सब फेल हो जाएंगे हाँ भाई संजय पेपर टाइम ठीक है सिद्धुत भाई मैंने कहा ना देखो एक तो एग्जामिनेशन का एग्जाम का टेंशन ठीक है डेढ़ सौ क्वेश्चन एक सौ बीस मिनट अब आप उलझ जाओगे बर्तन बर्तन में उलझ गए अब आप खुद अपने पर आपको गुस्सा आएगा कि अरे यार थोड़ा सा रिविजन कर लियो तो बर्तन हमारा सही हो जाता अब आप टेंशन में हो जाओगे ठीक है तो गलती पर गलती फिर होती चली जाएगी फिर समय नहीं बचेगा आपने पूरा पहले तो सॉल्व कर लिया पता चला आपने सर्किल डार्क नहीं किया आपने सोचा कि आधे घंटे का समय मिलेगा हम सर्किल डार्क कर लेंगे अब पता चला आधे घंटे के समय में आप ए पहले का बी करना था तो आपने दूसरे का बी लगा दिया तो ये भी गलतियाँ होती हैं व्यवहारिक रूप से जो गलतिया है गलतियाँ होती हैं है ना तो चलिए थैंक यू वेरी मच कल क्लास होगी शाम को छः बजे मिलते हैं बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पर शाम को साढ़े आठ बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे ठीक है तो थैंक यू वेरी मच टेक केयर पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से और धमाकेदार तैयारी पत्र लेखन का वीडियो आपने ना देखा हो तो बिल्कुल देख लीजिएगा इस चैनल पर पढ़ा हुआ है मैंने पढ़ाया हुआ है पचास हज़ार प्लस बच्चों ने उसको देखा है और गारंटी है कि सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे उसके बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा और जितने प्रश्न मैं ये लास्ट टाइम रिविजन करा रहा हूँ अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं क्लासेस देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और एग्ज़ाम में आपका काफ़ी सहयोग मिलेगा इससे ठीक है तो थैंक यू वेरी मच पचास में से अड़तालीस सही हुए हैं विवेक कुमार सिंह वेरी गुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्कुल मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में कल शाम को छः बजे इस प्लेटफॉर्म पर ठीक है थैंक यू टेक केयर पढ़ते रहिए और भी टीचर्स की क्लास होती है उनकी भी क्लास अटेंड करिए और आप हमें अन अकेडमी भी फॉलो कर लीजिए जहाँ पर हमारे फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं हर टॉपिक की आपको क्लासेस मिलेंगी ठीक है चलिए थैंक यू टेक केयर बाय